हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट इंग्लिश आवर्स। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस की। एक परफेक्ट इंग्लिश सेंटेंस का मीनिंग समझने के लिए परफेक्ट प्रेपोजिशन का यूज होना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्म्स ऑफ प्रेपोजिशंस, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस एंड उनके यूजेस एंड एग्जांपल्स को। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं प्रेपोजिशन के यूजेस को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेपोजिशंस। Preposition shows the relation between a noun or pronoun or phrases with other word in a sentence. Preposition एक sentence में noun, pronoun और phrases का दूसरी word के साथ संबंध दर्शाती हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, preposition बना है दो word से, pre plus position मतलब preposition, या फिर इसको आप preposition भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है place before। एक सेंटेंस में ये नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस के पहले आएगा और उसका एकदम परफेक्ट मीनिंग बताएगा। एग्जांपल में समझते हैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। जब किसी डायरेक्शन में जाया जाता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू का। द पेपर्स आर ऑन द टेबल, कागज मेज पर है। जब कोई चीज किसी चीज पे रखी जाती है और उसके टच में होती है तो हम उसके लिए ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। The gifts are for you. Gift तुम्हारे लिए हैं। My sweater is made of wool. मेरी स्वेटर ऊन की बनी हुई है। तो इन सेंटेंसेस में अगर हम प्रेपोजिशंस को हटा देंगे तो किसी भी सेंटेंस का मीनिंग सही से नहीं निकलेगा। लेकिन जब हम इन सेंटेंसेस में एक परफेक्ट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो हम मीनिंग अच्छे से समझ जाते हैं। और जितनी प्रेपोजिशंस थी सब नाउन, प्रोनाउन या फ्रेजेस के जस्ट पहले आई हैं। तो जो प्रेपोजिशन के बाद वर्ड्स होते हैं उन्हें प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। प्रेपोजिशन की मीनिंग समझने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि प्रेपोजिशन के जो मीनिंग होते हैं वो हर जगह पे थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं या फिर कभी भी सेम नहीं रहते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रेपोजिशंस। सिंपल प्रेपोजिशंस आर मेड ऑफ वन वर्ड। सिंपल प्रेपोजिशन जो होती है वो एक वर्ड की बनी होती है, जैसे इन, ऑन, टू, एट, बाय, फॉर, ऑफ, बिफोर, आफ्टर, अंडर, अबव एटसेट्रा। कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर टू और थ्री वर्ड यूनिट। कंपाउंड प्रेपोजिशन दो या तीन वर्ड्स की यूनिट होती है, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, फॉर अ वाइल, इंस्टेड ऑफ, बिकॉज ऑफ, एटसेट्रा। तो ये टू फॉर्म्स ऑफ प्रेपोजिशन है, एक सिंपल प्रेपोजिशन जो एक ही वर्ड की होती है, कंपाउंड प्रेपोजिशन जो दो या तीन वर्ड्स की होती है। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो कि टाइम के लिए यूज की जाती है, समय के लिए यूज की जाती है, जैसे इन, ऑन, एट, For, since, after, before, during, by, until, throughout, etc. सबसे पहले हम समझेंगे in, on और at के uses को, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा confusion होती है। For years, months, seasons, centuries and time of the day used in, मतलब जब भी हम years, month, season, century या time of the day का बात करेंगे तो हम use करेंगे in का। Example, it's always cold in January. जनवरी में हमेशा ठंड होती है। जब महीने की बात करेंगे तो उससे पहले हम लगाएंगे इन। आई फर्स्ट मेट यू इन 2017, मैं तुमसे पहली बार 2017 में मिली। तो यहाँ पे ईयर की बात हुई तो उससे पहले भी हम लगाएंगे इन। शी विल कम इन समर वेकेशन, वह गर्मी की छुट्टियों में आएगी। यहाँ पे सीजन की बात हुई तो सीजन से पहले भी क्या लगता है इन। We are in 21st century. हम 21वीं सदी में हैं। Century की बात भी होगी तो भी हम use करेंगे इनका। He left in the morning. वह सुबह में ही चला गया। तो जब time of the day की बात आएगी तो हम use करेंगे in the morning, in the evening. For days, dates and festival use on. जब भी दिनों की, डेट्स की और फेस्टिवल की बात होगी तो हम यूज करेंगे ऑन का। एग्जाम्पल, शी केम टू मीट मी ऑन दिवाली, वह मुझसे दिवाली में मिलने आई। वी विल गो टू स्कूल ऑन मंडे, द रिजल्ट में अनाउंस ऑन 10 मार्च, 10 मार्च को रिजल्ट घोषित हो सकता है। जब हम मंथ के साथ डेट का यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे ऑन का।
टाइम इंडिकेशन यूज एट, जब टाइम को इंडिकेट करेंगे तो हम यूज करेंगे एट का. जैसे हर शिफ्ट फिनिशेज एट 7 PM, उसकी शिफ्ट 7 बजे खत्म होती है. आई स्टडी एट नाइट, मैं रात में पढ़ाई करती हूँ. नाइट के लिए हमेशा एट का ही यूज होगा. लेकिन अगर टाइम ऑफ द डे की बात करेंगे तो हम लगाएंगे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट. सिर्फ किसी स्पेसिफिक नाइट के लिए यूज कर सकते हैं हम, लेकिन यूजुअली हम नाइट के लिए एट का यूज ही करेंगे. समझते हैं बाकी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को. यू कैन कम आफ्टर 2 डेज, तुम 2 दिनों बाद आ सकते हो. 2 डेज टाइम है, उससे पहले हमने क्या यूज किया, आफ्टर. आफ्टर मतलब बाद में. आई हैव टू कम बिफोर सनसेट, मुझे सनसेट मतलब सूर्यास्त से पहले आना पड़ता है. मॉल इज ओपन अंटिल मिडनाइट, मॉल आधी रात तक खुला रहता है. अंटिल मतलब तक. आई लर्नड पेंटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान मैंने पेंटिंग सीखी. ड्यूरिंग मतलब दौरान. इट्स रेनिंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से बारिश हो रही है. जब टाइम प्रॉपर नहीं पता होता है तो हम यूज करते हैं 4 का. ही इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहे हैं. लेकिन जब हमें पता हो कि परफेक्ट टाइमिंग क्या है, डेफिनेट टाइमिंग क्या है, तो हम यूज करते हैं सिंस का. ऊपर वाले एग्जाम्पल में था कि इट्स रेनिंग फॉर 3 आवर्स, कौन सी 3 आवर्स, सुबह के, दोपहर के, रात के, वी डोंट नो, तो इसलिए हमने यूज किया 4 का. लेकिन यहाँ हमें पता है कि वह सुबह से खेल रहा है तो हम यूज करेंगे सिंस का, सिंस मॉर्निंग. ही हैज टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट विद इन अ वीक, उसे ये प्रोजेक्ट 1 हफ्ते के अंदर फिनिश करना पड़ेगा. विद इन अ मतलब कोई टाइम पीरियड दे दिया जाए तो उसके लिए यूज करते हैं विद इन, विद इन अ वीक, विद इन अ डे, विद इन अ मंथ, विद इन अ ईयर. इट वॉज फॉगी थ्रू आउट द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के पूरे महीने में कोहरा था. थ्रू आउट द डे मतलब पूरा दिन, थ्रू आउट द मंथ मतलब पूरा महीना, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरा साल. प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस जो कि स्थान के लिए यूज होती हैं, जैसे ऑन, एट, इन, अंडर, ओवर, इनसाइड, आउटसाइड, बिलो, अबव, एटसेट्रा. ऑन, एट, इन का यूज टाइम में भी होता है और प्लेस में भी होता है, और दोनों जगह ये अलग अलग तरह से वर्क करती है. यूजेस समझते हैं. On is used when referring to something with a surface. On का यूज तब किया जाएगा जब कोई चीज किसी सतह पर रखी हो और उसकी टच में हो. जैसे the books are on the table. किताबें मेज पर है, मेज पर रखी हुई है और वो मेज की टच में है, तो हम यूज करेंगे on. The clock is hang on the wall. घड़ी दीवार पर टंगी हुई है और वो दीवार की टच में है, तो इसलिए हमने यूज किया On का. In is used when referring something that is already inside. In का use तब किया जाएगा जब कोई चीज पहले से ही अंदर हो. Example, I am in the classroom. मैं classroom में हूँ. मतलब मैं पहले से ही हूँ, तो इसलिए use हुआ in. The ball is in the box. Ball box में है. At is used when something is at specific point. At का use तब किया जाएगा जब कोई चीज किसी विशेष point पर है. Example, he stood at the bus stop. वह bus stop पर खड़ा था. I live at a small village in Rajasthan. मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूँ. Always remember, use in for big city or country. And at for small city or village. जब एक sentence में आप 2 जगह की बात करेंगे तो जो city या country बड़ी होगी उसको, उसके लिए आप in का use करेंगे, और जो city छोटी होगी उसके लिए आप at का use करेंगे. लेकिन अगर आप एक sentence में एक ही जगह की बात करते हैं तो आप in भी लगा सकते हैं, आप at भी लगा सकते हैं. लेकिन जब एक sentence में 2 cities की बात होगी तो छोटी के लिए at और बड़े के लिए in. यूज ऑन, एट और इन का. अभी बाकी प्रेपोजिशंस के यूज का भी हम एग्जांपल्स देखते हैं. पुट अ क्लॉथ ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर एक कपड़ा रख दो. काउ इज अंडर द ट्री, गायें पेड़ के नीचे है. जब कोई चीज नीचे हो और ऊपर वाली चीज के टच में नहीं हो तो हम यूज करते हैं अंडर. अंडर मतलब नीचे. देयर इज ए फैन अबव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है. जब कोई चीज ऊपर हो और हमारे टच में नहीं हो
तो उसके लिए हम यूज करते हैं अबव. अबव मतलब ऊपर. माई फ्लैट इज बिलो देयर्स. मेरा फ्लैट उनके नीचे है. बिलो मतलब नीचे. दे जस्ट स्टेप्ड आउटसाइड द हाउस. वे अभी अभी घर से बाहर गए हैं. आउटसाइड बाहर. यू कैन गो इनसाइड द हॉल नाउ. तुम अब हॉल में जा सकते हो. तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. नेक्स्ट, प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट टेल्स हाउ समथिंग और समवन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट ये बताता है कि कोई चीज या कोई एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाता है. इसके लिए यूज होती है टू, इनटू, बाय, थ्रू, अपॉन, फ्रॉम, अक्रॉस, अलोंग, एटसेट्रा. एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू स्कूल. हम स्कूल जा रहे हैं. तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, टू का. या फिर किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए यूज होता है टू का. जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो भी क्या यूज होगा, टू का. ही जंप्ड इनटू द रिवर. उसने नदी में छलांग लगाई. मतलब वो बाहर से अंदर गया नदी में, तो इनटू का यूज होगा. ट्रेन पासिस थ्रू द टनल. ट्रेन सुरंग में से होकर गुजरती है. थ्रू मतलब में से होकर, टनल मतलब सुरंग. टिया वेंट अप द हिल. टिया पहाड़ों पर गई. जब किसी चीज के ऊपर जाया जाता है तो उसके लिए यूज क्या होता है, अप. ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई. वह मुंबई से आ रहा है. किसी जगह से आने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम, और किसी जगह पे जाने के लिए यूज करते हैं टू. मोर एग्जाम्पल्स, द रफियन रैन अक्रॉस द रिवर. रफियन मतलब गुंडे. गुंडे नदी के पार भागे. अक्रॉस मतलब पार. Go and sit beside Ria. जाओ और रिया के बगल में बैठ जाओ. Beside मतलब बगल में या पास में. He ran along the marathon track. वह marathon track के साथ साथ भागा. Along मतलब किसी लंबाई के साथ भागना. The dog jumped upon a table. कुत्ता मेज के ऊपर कूदा. जब किसी hard surface पे कूदा जाता है तो उसके लिए use होता है upon. They will come by train. वे ट्रेन से आएंगे. किसी भी व्हीकल के अंदर बैठ के आने के लिए यूज करते हैं by. Came here on a bike. वह यहाँ बाइक पर आया. तो जब किसी व्हीकल के ऊपर बैठ के हम आएंगे या यात्रा करेंगे तो यूज करेंगे on का, लेकिन जिस व्हीकल के अंदर बैठ के आएंगे हम तो यूज करेंगे by का. Found prepositions. Stay here for a while. यहाँ थोड़ी देर के लिए रुको. For a while थोड़े समय के लिए यूज होता है. There is a garden in front of my house. मेरे घर के सामने एक बगीचा है. In front of सामने. I won the match because of your support. मैं तुम्हारे support की वजह से मैच जीत गया. Because of मतलब वजह. According to survey there will be third wave in January. सर्वे के अनुसार. According to मतलब अनुसार. सर्वे के अनुसार जनवरी में तीसरी लहर होगी. इस वीडियो में लगभग हमने सभी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस की बात की. अगर आप इतनी ही प्रेपोजिशन समझ लेंगे तो आप एक परफेक्ट सेंटेंस बना लेंगे या परफेक्ट सेंटेंसेस को अच्छे से समझ जाएंगे. अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज की अगर कोई भी वीडियो आपकी रह गई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक दिए हुए हैं. आप प्लीज जाएं और उन वीडियोज को जरूर देखें. तब तक के लिए बाय. टेक केयर. स्टे सेफ. स्टे हेल्दी.